कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योग योग विश्राम कंस सतगुरुदेव स्वामी चरण मोहन जी महाराज की, सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। श्री सदगुरु करें सो होई, प्रथम अकारण दयालु श्री सदगुरुदेव भगवान की अहत की कृपा से एवं उन्हीं और प्रेरक योगेश्वर द्वय द्वारा प्रेरित अपने लघु गुरु भ्रात सहारनपुर निवासी श्री अवनीश भटनागर जी द्वारा प्राप्त गुरु कृपा प्रसंग उन्हीं की भाषा में लिखकर समझने एवं समझाने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। परब्रह्म सद्गुरु तत्व स्वयं मानव वेश में योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं योगराज अनंत श्री स्वामी चंद मोहन जी महाराज के परम चमत्कारी साकार विग्रहों के रूप में इस तरह धाम पर अवतरित होना एवं अपने परम दिव्य अलौकिक क्रियाकलापों और शक्ति संचार के द्वारा जगत को निहाल एवं मालामाल कर दिया। उन्होंने वो सब कार्य खेल खेल में ऐसे कर दिखाए जो सृष्टि में अन्य के लिए सामर्थ्य से परे हैं। लुप्त प्रायः सिद्धियों को जगत में पुनर्स्थापित करने के साथ साथ जगत कल्याण के अंतर्गत असंभव से असंभव कार्य भी किए। उसमें से एक कार्य है मृतकों को जीवन दान देना। ऐसी ही अनेकों घटनाओं में से दो अलौकिक घटनाएं श्री सद्गुरु कृपा की यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की स्तुति का यह उक्ति बार बार स्मरण हो रही है, कर्ता करे न कर सकें श्री सद्गुरु करें सो होए। श्रीमती शशि शर्मा हमारी गुरु बहन हैं। इनके पति BSF सीमा सुरक्षा बल में वह सद्गुरुदेव श्री चंदमोहन जी महाराज से दीक्षित थे। इन्होंने महाप्रभु श्री रामलाल योग मंदिर RK पुरम सेक्टर 4 नई दिल्ली में विधिवत योग दीक्षा श्री गुरुदेव भगवान से प्राप्त की थी। फिर इनके पति का ट्रांसफर तबादला अन्य स्थान पर हो गया। श्री सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म कैसे हुआ यह परम आश्चर्य की बात है कि श्री सदगुरुदेव स्वामी चंदमोहन प्रभु जी ने किस प्रकार से मृतक बालक को पुनर्जीवित करके जीवन प्रदान किया। यह अति विलक्षण घटना है जो सिद्धयोग के सुयोग पाठकों के लिए प्रस्तुत है। बहन श्रीमती शशि शर्मा जी का प्रसव समय से काफ़ी पहले यानी 6 मास में ही हो गया। प्रीमैच्योर बेबी पैदा हुआ। बच्चे के नाखून भी नहीं बने थे, सिर पर बाल एवं खाल की जगह एक पतली सी झिल्ली ही थी। ऐसे बच्चे को पैदा होते ही अस्पताल का सारा स्टाफ उसे बचाने में लग गया। उस समय नर्सरी की सुविधा बच्चों के लिए नहीं थी। काफ़ी समय तक बच्चे को बचाने के प्रयास चलते रहे, परंतु बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बच्चा रात में ही किसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। नर्स ने मृतक बच्चा लाकर माता पिता को दे दिया। बच्चे के पिताजी ने मृतक शरीर को अखबार में लपेटकर पलंग के सरहाने सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अब रात में अंतिम संस्कार के लिए कहाँ जाएं, सुबह होने पर अंतिम संस्कार कर देंगे। जब यह बात बहन शशि शर्मा को पता चली कि बच्चा मर चुका है तो उनको बहुत दुख हुआ और वो अपने सदगुरु श्री चंदमोहन प्रभु जी के स्मरण करके आर्तभाव से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव जी, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। आपने मुझे ऐसा बालक दिया और उसका जीवन ही नहीं रहा। बहन श्रीमती शशि शर्मा को रोते रोते कुछ नींद सी आ गई। उस समय बहन जी को सतगुरुदेव भगवान श्री चंदमोहन जी प्रभु जी भगवान के दर्शन हुए एवं ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने अर्थात श्री गुरुदेव जी ने बच्चे को जीवन दान दे दिया है। स्वप्न में दस चल ही रहा था कि इतने में ही ड्यूटी बदल जाने वाली दूसरी नर्स आई तो बहन जी के कमरे में गई तो उसकी नज़र अखबार के कागज़ में लिपटे बच्चे पर चली गई। वो सन्न रह गई। उसने बच्चे को उठाकर देखा तो बच्चा जीवित हो चुका था। नर्स ने तुरंत शशि शर्मा को जगाया और कहा कि तुम कैसी माँ हो जो जिंदा बच्चे को अखबार में लपेट कर रखती हो। बहन जी ने नर्स को बताया कि 6 माह का प्रीमैच्योर बेबी पैदा हुआ था, जिसे डॉक्टर साहब के बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बचाया जा सका। बच्चा मर चुका है, अखबार में लपेट कर इसलिए रखा है कि सुबह इस बच्चे का दाह संस्कार कर देंगे। देखो, तुम्हारा बीवी तो जिंदा हो गया है, तुम अंतिम संस्कार की बात कैसे करती हो। बच्चे के जिंदा होने की बात नर्स ने तत्काल ही जाकर डॉक्टर साहब को बतलाई। डॉक्टर ने बच्चे को तत्काल चेक किया। जो बच्चा मर गया था उसे जिंदा देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
डॉक्टर ने तत्काल इस बच्चे के लिए बल्ब आदि लगाकर तापमान को उसके लायक बनाया और इलाज की सारी व्यवस्थाएं की गईं। कई महीने बच्चे को एक निश्चित तापमान पर कमरे में रखा गया और बच्चा ठीक होकर अपने घर आ गया। आज वो बालक लगभग 25 वर्ष का है और इस समय अच्छी खासी नौकरी में कार्यरत है और श्रीमती शशि शर्मा जी जो जिनके मात्र एक ही पुत्र है हमारे गुरु भाई की पुत्री से उसका विवाह भी संस्कार भी हो चुका है। इतनी चमत्कारिक घटना घटने के बावजूद भी कुछ समय पश्चात यह दंपत्ति श्री सदगुरुदेव जी को बिल्कुल भूल गए। मेरी समझ से शायद इस कारण इनका बार बार स्थानांतरण तबादला या अन्य कारण रहा हो, पर श्री गुरुदेव जी तो अपने बच्चों को कभी भूलते ही नहीं हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही बहन जी सहारनपुर आकर रहने लगीं और महाप्रभु जी के सत्संग में किसी प्रकार से पहुंच गईं। जब बहन जी सत्संग में बैठी तो श्री सदगुरुदेव जी भगवान से योग दीक्षा और चमत्कारी घटनाएं स्वतः ही स्मरण हो गया एवं वो तत्काल बोल पड़ी, मेरे गुरुदेव भी यही हैं और हमारे ऊपर इन्होंने ही श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने भारी कृपाएँ की हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय। द्वितीय कथा श्रीमती रमा देवी श्री सिद्धयोग शक्ति संचार मंदिर मोहल्ला का स्थान सहारनपुर में विराजित योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के सिद्ध दरबार की कृपा पात्र महिला हैं। उनकी सुपुत्री श्रीमती चारू गर्ग देहरादून में रहती हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की कृपा से वो गर्भवती हो गई क्योंकि श्रीमती चारू गर्ग के मन में पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। श्रीमती गर्ग के 2 महीने तो ठीक से निकल गए परंतु उसके पश्चात पेट में अत्यधिक दर्द रहने लगा। अत्यधिक दर्द रहने के कारण श्रीमती गर्ग को निजी डॉक्टर से दिखलाया गया। निजी डॉक्टर ने दवा दी एवं कंप्लीट बेड रेस्ट आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर के कथनानुसार वैसा ही किया गया, परंतु दर्द बढ़ता ही चला गया। फिर श्रीमती चारूगर को लेडी डॉक्टर को दिखलाया गया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट एवं अल्ट्रासाउंड के लिए कहा। अल्ट्रासाउंड कराने पर ज्ञात हुआ कि पेट में पानी भर गया है, समस्या अत्यंत गंभीर हो गई। दवाई देने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला तो अंत में लेडी डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, हमें 5वें महीने में ही एबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति और बदतर खराब होती चली जाएगी। असहनीय दर्द और पेट में पानी भरने का कोई दूसरा इलाज नहीं है। जो बच्चा पैदा होगा वो दिमाग से दोषयुक्त ही होगा, इसलिए इसका अवॉर्शन आवश्यक हो गया है। कल शाम को अवॉर्शन कर दिया जाएगा। ये सारी घटना श्रीमती चारू गर्ग ने अपनी माँ श्रीमती रमा देवी को सहारनपुर फोन करके बताई। श्रीमती रमा देवी जी तत्काल योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के सिद्ध योग शक्ति संचार दरबार पहुंच गई एवं कातर स्वर में रोती हुई श्री महाप्रभु जी से प्रार्थना करने लगी। हे दयानिधान, हे करुणा के सागर, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप मेरी लड़की का कष्ट हरें और उसके बच्चे को बचा लें। यही प्रार्थना बार बार रोती हुई करती रहीं तथा योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के चरणों में चांदी के छत्र समर्पित करने का संकल्प लिया और कहा कि हे दया निधान करुणा सागर, आप दया कर दें, कृपा कर दें। श्रीमती रमा देवी प्रार्थना करके अपने निवास स्थान पर चली गईं और अपनी पुत्री को सारी बात फोन करके देहरादून बता दी। आश्चर्य महान आश्चर्य, तभी श्री महाप्रभु जी का चमत्कार हो गया, यानी महाप्रभु जी द्वारा कृपा हो गई। अगले दिन जब लेडी डॉक्टर के पास श्रीमती चारूगर को ले जाया गया तो डॉक्टर ने पुनः अल्ट्रासाउंड करके चेक किया तो पेट का पानी बिल्कुल ही गायब हो चुका था, दर्द भी बिल्कुल ही ठीक हो गया था। डॉक्टर से श्रीमती चारू गर्ग बोली, मैडम मुझे अब कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा है, क्या अबॉर्शन को रोका नहीं जा सकता? ये डॉक्टर बोली, मैं आश्चर्यचकित होकर यही तो देख रही हूँ कि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब थी, अचानक एक दिन में ही तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो गई? आखिरकार पेट का इतना पानी कहाँ चला गया, वह दर्द भी बिल्कुल ही ठीक हो गया, यह चमत्कार से कम नहीं है। अब तुम्हारे लिए एबॉर्शन कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्रीमती चारू गर्ग ने अपना गर्भकाल शांतपूर्वक पूरा करके समय आने पर एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया जिसकी उम्र लगभग इस समय 5 वर्ष की है। यह कार्य योगेश्वर द्वय योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं योगराज श्री चंद्रमोहन प्रभु जी की महती कृपा करने की वजह से ही प्राप्त हो सका। दयानिधान करुणा सागर श्री प्रभु जी की एक ही कृपा दृष्टि ने श्रीमती चारूगर का सारा संकट क्षण मात्र में हर लिया। श्री परपूर्ण सदगुरुदेव
ऐसे परपूर्ण सदगुरुदेव जी की शरणागति पा लेने के बाद जो कि हमारा प्रत्येक छोटा से छोटा कार्य या बड़ा से बड़ा कार्य उनकी श्री महाप्रभु जी की महती कृपा से ही संभव होता है। कि दयालुता देखिए, वह हर किसी को मनोवांछित वस्तु प्रदान करते रहते हैं, देखने में कहीं मिलेगा ऐसा दातार, परंतु हम स्वार्थी मनुष्य जरा सी देर में सब भूल जाते हैं। जरा सी कहीं चमक दिखाई दी नहीं कि वहीं पहुंच जाते हैं, अपनी बिकाऊ भक्ति के बासी फूल लेकर। श्री गुरु कृपा से धन्य गुरु भाई बहनों एवं श्री सदगुरुदेव भगवान गली गली घूमने वाले अशक्त और केवल नाम के गुरु नहीं हैं, वे तो सर्वशक्ति से विभूषित यह लौकिक एवं पारलौकिक सकल ऐश्वर्य को एक ही कृपा दृष्टिभाव से प्रदान करने की सामर्थ्य वाले परम पिता परमेश्वर हैं। इनकी आज्ञा का पालन ही इनकी प्राप्ति की कुंजी है। इनको प्राप्त करने के पश्चात अब किसी अवतार या भगवत पुरुष या संत पुरुष का चिंतन करते हैं तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, क्योंकि परब्रह्म महाशक्ति हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री चन्द्रमोहन जी महाराज एवं दादा गुरुदेव योग जोगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के पूर्ण रूप में परपूर्ण रूप से अनंत कलाओं से सुशोभित होकर प्रादुर्भूत करते हैं, प्रादुर्भूत हैं। हमारे आपके श्री गुरुदेव भगवान के लिए ही तो भगवान शिव शंकर ने जगत जननी माँ पार्वती से कहा है, गर्वो बहवा संते शिष्य वित्तापहारकः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य संतापहारकम्। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, धर्मशास्त्र मयोदितम, गुरुगीता समम नास्ति, नास्ति तत्वम गुरु परम। इससे अपर अन्य गुरुओं के लिए शास्त्र का कथन है, गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खिले दाव, दोनों डूबे साथ में बैठ पाथर की नाव। गुरु अन्न शिष्य बधिर का लिखा, गुरु अन्न शिष्य बधिर का लिखा, एक न सुने एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन सोई न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। ऐसे गुरुओं के लिए सिद्ध सिद्धांत संग्रह का आदेश है, ज्ञानहीनो गुरुस्ताज्यो मिथ्यावादी विकल्प कह, स्वाभिक शांतिम न जानाति परम शांति करोत किम। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कन सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशीवारे की जय, माँ राधा रानी की जय, जय गुरुदेव।